myself Sudhanshu, myself Shruti. Today we are doing fighting. जितने भी स्टेप आपको अब तक सिखाए हैं मैंने मार्शल आर्ट में, किक, पंच, कैरेट, ब्लॉक्स, अटैक, डिफेंस, जो भी आपको सिखाया है, फाइनली आज हम करने वाले हैं फाइटिंग. फाइटिंग ही तो मेन है इसका, तो क्यों ना शुरू हो जाए, आज करते हैं बढ़िया सी फाइटिंग. तो आप भी अब तक जो प्रैक्टिस की है उसकी अपने घर में अपना बहन भाई अपनी मम्मी पापा के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओनली प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कि परमानेंट आप उस पर अटैक कर देना, ऐसे नहीं करना है. हमें अटैक कब करना है, अपने डिफेंस के लिए, ना कि किसी को हार्मफुल, मतलब उस तरीके से नहीं करना कि हार्म हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, उस तरीके से नहीं करना. प्रैक्टिस करनी होगी हमें. तो हम आपको बताने वाले हैं फाइटिंग. फाइटिंग स्टार्ट होगी जब सबसे पहले हम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं. दो लोग होते हैं इसमें फाइटिंग के लिए. ये मार्शल आर्ट एक गेम भी है, इंटरनेशनल गेम है. स्कूल से इसमें बच्चे भी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बहुत आगे लेवल्स होते हैं जिसमें बच्चे आगे फाइटिंग में जाते हैं, टूर्नामेंट्स में जाते हैं, जिसमें हमें सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, उसके हमें नंबर्स भी मिलते हैं, बहुत जगह हमें इन चीज़ का बेनिफिट्स भी होता है. अगर आप भी इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अपने स्कूल से अपनी टीम में टूर्नामेंट्स में जा सकते हैं. और आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आपने ऑनलाइन नॉलेज बॉक्स में ये सब सीख लिया है. अब अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यू, तो आप बेस्ट हो जाएंगे इसमें, परफेक्ट हो जाएंगे और आप आगे टूर्नामेंट्स में जा सकते हैं. तो एक तो हो गया ये सेल्फ डिफेंस की आत्मरक्षा, कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं किसी भी अटैक से. और एक हो गया ये गेम जिससे आप आगे लेवल तक खेलने जा सकते हैं. अगर आपको आगे इसके बारे में कभी भी कुछ भी पूछना है, ये क्लासेस ऑफ हो जाएं, ये नॉलेज बॉक्स कंटिन्यू नहीं हो क्योंकि आगे स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं. यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 8444900004 8444900004. यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स यू कैन क्लियर विद मी. ओके, सबसे पहले हम करेंगे फाइटिंग. दो लोग खड़े होते हैं जब हमारी फाइटिंग हो रही है. फाइटिंग को हम फाइट भी बोलते हैं और बाउट भी बोलते हैं. सबसे पहले हम एक दूसरे को अभिवादन करेंगे. कैसे? ये ठीक है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जो हम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पहले अभिवादन करेंगे. कब? जब हम टूर्नामेंट्स में जाते हैं तब. हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, रास्ते में कोई ट्रेजडी हो जाती है तब नहीं, तब हम उसको रिस्पेक्ट अभिवादन नहीं देंगे. तब तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तब ये सब नहीं होगा. ये कब होगा? जब हम टूर्नामेंट्स में फाइटिंग कर रहे हैं या बाउट कर रहे हैं. फिर से देखिए रे, ठीक है. उसके बाद जापानी में बोला जाएगा स्टार्ट के लिए हाजमे. ओके, क्या बोला जाएगा? हाजमे स्टार्ट के लिए. तो रेफरी ने यहाँ से बोला हाजमे, हम स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी पोजीशन ले जाएंगे. हाजमे, यस रेडी, क्या यस क्या प्रोटेक्ट करो अपने आप को. सामने वाला अटैक कर रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो और मौका देकर उस पर अटैक भी करो. यस क्या क्या दोनों पैरों से मूव करना है, दोनों पैरों से. क्या क्या फ्रंट की, ओके? क्या? फ्रंट की कौन? चिन पर, यस अटैक. क्या? यस. क्या? क्या? ये, ठीक है? यस. रीम. क्या? यस. क्या? रेडी फॉर की. क्या? सेफ करो अपने आप. ड्रॉप किक. क्या? ड्रॉप किक ऑन हेड. क्या? ओके, पूरा राउंड में घुमाओ उसके यहाँ आते हैं. क्या? यस. कैरेट. क्या? क्या?
क्या 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 कंटिन्यू क्या 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 अभी हम बोलेंगे स्टॉप के लिए माते, रेफरी हमें बोलेगा और ऑर्डर देगा माते, हाजमे के लिए ये एक्शन किया था माते के लिए माते, तुरंत वहीं फाइट रोक देगी। फाइट को क्या बोल रहे हैं हम, फाइट और बाउ दो चीजें बोली जा रही है, स्टार्ट के लिए हाजमे, स्टॉप के लिए माते। श्रुति ने बहुत अच्छा किया, थोड़ी थोड़ी टाइम निकाल कर प्रैक्टिस कर रही है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल प्रैक्टिस, कंटिन्यू डेली रूटीन, आप डेली प्रैक्टिस करें। कभी भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस विद मी, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके, गुड लक, बाय बाय।